गाइस, सो आज हम सॉन्ग सीखने वाले हैं। ये है ओ सनम बाय लकी अली। इसका एक बहुत ही वायरल वीडियो आजकल चला हुआ है जिसमें लकी अली इसको परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दैट्स द वर्जन जो हम आज सीखने वाले हैं। लेकिन लेसन में जाने से पहले मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगा कि अगर आप गिटार सीखने में इंटरेस्टेड हैं या आप म्यूजिक थ्योरी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड चेक आउट माय कोर्सेज। एट द सेम टाइम अगले हफ्ते से मैं अपनी ऑनलाइन ग्रुप क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, विच आर गोइंग टू बी डैम इंटरेस्टिंग। एंड द बेस्ट थिंग इज कि उनके जो चार्जेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल हैं। इनफैक्ट इतने कम हैं कि आपको उस रेट में कहीं भी क्लासेस नहीं मिलने वाली। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। ओके देन, सो ये जो सॉन्ग है ओ सनम, इसका अगर आप बेसिक वर्जन सीखना चाहते हैं, बाय द वे पिछले 20 साल से मैं इसका बेसिक वर्जन ही बजा रहा था, तो उसके पर मैंने लेसन ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैंने कुछ 4-4.5 साल पहले उसका लेसन बनाया था, सो यू कैन चेक दैट लिंक आउट, ठीक है। लेकिन ये वाला जो वर्जन है, जैसा मैंने बताया, ये लकी अली का मैंने अभी रिसेंटली प्ले करते हुए देखा, एंड यू नो, सो दिस इज गोइंग टू बी दैट वर्जन। ये जो सॉन्ग है ना, इंटरेस्टिंगली मेरे को पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत लोगों ने बताया कि इस पे एक लेसन बनाओ, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि ये लेसन पे तो मैं इस गाने पे तो लेसन बना चुका हूँ, ये मेरे को लोग बार बार क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने कभी ये वर्जन सुना ही नहीं था। फिर अभी क्या हुआ कि मैं कुछ काम कर रहा था एंड यूट्यूब ऑन था, एंड अपने आप ही ये गाना प्ले हुआ वो यूट्यूब रिकमेंडेड ऑटो प्ले लिस्ट से, एंड मेरे को ये कुछ सुना, मैं एकदम से कॉर्ड सुनी मेरे को, तो मैं बोला ओह दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। फिर बजा, wow, that's nice. And then baji chord ye. फिर जब ये बजी ना, तो मतलब मेरे तो एकदम से होश उड़ गए। मैं भागा हुआ आया देखने के लिए कि ये क्या बज रहा था, and that's when I realized, अच्छा ये नया version है। So I really like this version, and I'm sure you will love this as well. So let's zoom in and learn how to play this fantastic version now. Okay, so जो song है इसमें हमारे को अपने guitar की tuning change करनी पड़ेगी, तो हमारे को अपनी first string and जो fifth string है, इन दोनों को एक एक होल स्टेप नीचे ट्यून करना है। सो नेट नेट मेरी ट्यूनिंग है ई जी डी जी बी एंड डी, राइट। सो ये जो ट्यूनिंग होती है ना, दिस इज ये एक्चुअली इट्स अ कस्टम ट्यूनिंग, इसका कुछ नाम नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा प्ले करेंगे, सो दिस इज लाइक एन ई माइनस 7, तो आई वुड से इट्स द ई माइनस 7 ट्यूनिंग। लेकिन अगर आप इस गाने में एक्चुअली टॉप स्ट्रिंग यूज नहीं हुई है, तो अगर आप टॉप स्ट्रिंग को भी डी पे ट्यून कर देंगे तो इट्स एन ओपन जी ट्यूनिंग, ठीक है। अगर इसको टॉप स्ट्रिंग को आप जी डी पे कर देते हैं दो स्टेप नीचे, या अगर मान लीजिए आप टॉप स्ट्रिंग को ना देखें ना, तो ये पांच जो स्ट्रिंग्स होती हैं, पहली पांच, दिस इज एक्चुअली द 5-string बैंजो ट्यूनिंग एज वेल। तुम्हारा पांच स्ट्रिंग का जो बैंजो होता है उसकी ट्यूनिंग भी यही होती है। सो हम आते हैं इसके इंट्रो में। सो इंट्रो में लकी अली प्लेज दिस, तो ये आपको क्या करना है, अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को आप रखेंगे सेकंड स्ट्रिंग के 6th फ्रेट में, अपनी सेकंड फिंगर को रखेंगे थर्ड स्ट्रिंग के 7th फ्रेट में, एंड अपनी रिंग फिंगर को रखेंगे 4th स्ट्रिंग के 8th फ्रेट में, ठीक है। तो इसमें अगर आप नोट्स देखेंगे तो ये आप टॉप स्ट्रिंग पे प्ले कर रहे हैं जी, देन इधर आप प्ले कर रहे हैं दिस इज एन ए शार्प, देन दिस इज अ डी, this is an F and this is a D again. So this is like a G minus 7. Yeah, so आप सारी एक साथ play करेंगे. Then next chord के लिए आप क्या करेंगे, अपनी middle finger को रखेंगे 5th string के 8th fret में, अपनी ring finger and little finger को रखेंगे 1st and 2nd string के 8th fret में again. So basically ये, and then you will play string number 5, 3, 2, 1. Yeah, so this is like a D sharp major chord.
देन आप इसी जो ये कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप सेकंड फ्रेट में ले जाएंगे एंड यू विल प्ले द सेम थिंग. ठीक है, सो ये जो कॉर्ड है ना, दिस इज लाइक एन A7. हम प्ले कर रहे हैं A, देन थर्ड स्ट्रिंग में प्ले कर रहे हैं G, देन C शार्प एंड दिस इज एंड E. Right, so A, C sharp and E is your A major and इसमें हम G add कर रहे हैं. So that's your A7. Then next chord जो आपको play करनी है वो ये. तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, अपनी first finger को रखेंगे second string के first fret में and अपनी middle finger को रखेंगे fourth string के second fret में. ठीक है, so this chord will be like तो हम play कर रहे हैं ये, अगर मान लीजिए आप fifth string को भी play करते हैं तो it's a G, then E, G, C and D. So this is like, this will be like a C add 2 with a G note. ठीक है, and then last chord जो होती है वो ये है. तो इसमें आप प्ले करेंगे अपनी मिडिल अपनी रिंग फिंगर को रखेंगे सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट में, अपनी फर्स्ट फिंगर को रखेंगे थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट में. या एंड यू विल प्ले दैट, सो दिस इज लाइक अ D5. राइट, सो वंस अगेन हमारी जो इंट्रो है, इंट्रो हमने ऐसे प्ले करना है. So that's the intro. And उसके बाद जो पार्ट है वो है हमारा जो जो मेन इसका गाने का हुक है, which is right. So ये कैसे करना है, इसके लिए आप अपनी fifth string के 11th fret को play करेंगे and then आपको 11 से 12 पे hammer करना है. Yeah, 11 to 12. तो आपने इसमें जो जो इसका स्ट्रमिंग पैटर्न है आपको बताया था, स्ट्रमिंग आप कैसे करेंगे, यू विल हैव टू प्ले. ओके, सो इट्स अ डाउन, देन आपने हैमर करना है अपनी 11 से 12 पे एंड देन अप. सो इसको ना स्लोली थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इसमें, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा. सो डाउन, हैमर एंड देन अप, डाउन, हैमर, अप. इसमें पूरी सारी स्ट्रिंग्स नहीं प्ले कर रहा, मैं सिर्फ स्ट्रिंग नंबर 5, 4, 3 को आप प्ले कर सकते हैं. ठीक है, डाउन, हैमर एंड देन अप, ये आप दो बारी प्ले करेंगे, डाउन, हैमर, अप, डाउन, हैमर, अप एंड देन आप प्ले करेंगे डाउन, अप, डाउन. ठीक है, एंड देन आपने क्या करना है, अपनी रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर को फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिंग के 12th फ्रेट में रख दो एंड देन यू विल प्ले. क्या हमने अब तक क्या किया, एंड देन आप ले डाउन अप डाउन किया ना, अप करो डाउन अप, अप करो अप डाउन अप. अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, फिर से बताता हूं, डाउन, हैमर, अप, डाउन, हैमर, अप, डाउन, अप, डाउन, डाउन, अप. ये डाउन अप जो है ना, डाउन अप में आपने क्या करना है, अपनी नीचे की स्ट्रिंग्स को अप करना है एंड देन अप, डाउन, अप. स्लोली बताता हूं, सो बेसिकली डाउन अप, अप डाउन जो है आपने नीचे की स्ट्रिंग्स पे करना है, डाउन अप, अप डाउन अप. ओके, स्लोली करो एकदम. डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन, डाउन अप, अप डाउन अप.
लिया, एंड अगर इसे आप नॉर्मल टेम्पो में प्ले करेंगे तो इट बी लाइक दिस। तो ये जो कॉर्ड है ना, दिस कॉर्ड इज एक्चुअली अ जी मेजर ओनली, क्योंकि आप इसमें प्ले कर रहे हैं, ये हमारा जी हो गया, देन हमारी फोर्थ स्ट्रिंग इज डी, देन जी, देन बी एंड डी, तो जी बी डी, बेसिकली हम जी मेजर का ट्रायड प्ले कर रहे हैं, सो दिस इज अ जी मेजर। राइट, सो ये जो ओपनिंग है उसमें हो जाएगा फिर। अब नेक्स्ट कॉर्ड जो है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉर्ड, ये कॉर्ड। इसमें आपने क्या करना है, अपनी फर्स्ट फिंगर से आपने बार करना है अपने फिफ्थ फ्रेट में ऑन द फर्स्ट फाइव स्ट्रिंग्स। या सो ये हमारी जो कॉर्ड है, दिस इज गोइंग टू बी अ सी, एंड देन आपने इसी को लेके जाना है सेकंड फ्रेट में, सो दिस इज गोइंग टू बी एन ए, ए मेजर। And then हम क्या करेंगे, इसी को हम ले जाएंगे सेवेंथ फ्रेट में, and we'll play this. That's your D major, ठीक है? So once again, C major, fifth fret, then second fret, A major, and then seventh fret, D major. तो उसके बाद आएगा हमारा जो वर्स है, शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं। तो हम यहीं से जी से स्टार्ट करेंगे, देन आप क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट फिंगर को रखेंगे सेकंड स्ट्रिंग के टेंथ फ्रेट में, एंड अपनी रिंग फिंगर को रखेंगे फोर्थ स्ट्रिंग के ट्वेल्थ फ्रेट में, एंड देन यू विल प्ले। This is like a D sus 4, and then इसी को आप ले जाएंगे दो फ्रेट पीछे, this will be like a C sus 2, right? So G major, then D sus 4 I think, and then a C sus 2, and then a D 5. ठीक है, सो शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, ना 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 यू तड़पाती हैं, ठीक है? एंड देन हमारी ये कॉर्ड जो हमने पहले प्ले करी थी, ओह आई थिंक विच इज अ सी एट 2, ओह सनम डी 5, तेरी मोहब्बत की कसम। तो ये कॉर्ड होगी, उसके बाद समझे समझे ज़माना की दिल है सेम कॉर्ड, so that's pretty much the whole song. बस ये देखना कि जो बाकी chords के time जो strumming है ना, I think strumming थोड़ी सी change करता रहता हूँ मैं. So जैसे के time में I play down down up up down up up down up down up down up, जो वाला part है ना, so down down up up down up up down up down up down up. Okay, so I really hope आपको cover और lesson जो है वो अच्छा लगा है। Once again, let me just quickly repeat कि अगर आप guitar सीखने में interested हैं या music theory में interested हैं, तो मेरे courses हैं जिनको आप देख सकते हैं, नीचे description box में आपको link मिल जाएगा। And
मोर इम्पॉर्टेंटली अगले हफ्ते से मैं अपनी ग्रुप क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ. सो डिटेल्स वॉट दोज आर ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कम फॉर दोज, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. दिस इज आदित्य कुमार साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.